देश की न्यायपालिका और देश की सरकार के बीच टकराव जो है दोस्तों बढ़ता चला जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के मंत्री साहब चिट्ठी लिखकर आदेश की तरह सीजीआई को सरकार का कॉलेजियम पर फैसला सुना चुके हैं कि कॉलेजियम हमको मंजूर नहीं है अगर कॉलेजियम रहेगा तो हमारी भी हिस्सेदारी चाहिए मगर अब विपक्ष ने सरकार के इस रवैये पर बड़ा बयान दिया है दोस्तों यह बयान सिर्फ बयान नहीं है बल्कि एक बड़ा खुलासा है जो ये बता रहा है ये बया कर रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देश की मोदी सरकार टारगेट क्यों कर रही है विपक्ष के इस खुलासे से जुड़ी खबर आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दनेशन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया जा रहा है हाई कोर्ट पर सवाल उठाया जा रहा है देश के सर्वोच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं उठा कौन रहा है हमारे देश की सत्ताधीन सरकार यानी मोदी सरकार और उसके तमाम मंत्री कानून मंत्री ने दोस्तों हाली में जानकारी दी थी आगे फिर उससे जुड़ी जरूरी जानकारी आपको देंगे वो जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे मगर अब बात कर लेते हैं सरकार के रवैये पर विपक्ष के बड़े खुलासे की आपकी स्क्रीन इस वक्त मैं दवायर की खबर दिखा रही हूं दोस्तों आपको यह खबर कहती है कि सरकार न्यायपालिका को कब्जाने के इरादे से धमका रही है और यह बात विपक्ष ने कही है दोस्तों उन्होंने कहा है कांग्रेस से लेकर देखिए आप है राजद है द्रमुक है वाम दल है सब सभी पार्टियों ने कहा है सरकार के पास न्यायपालिका को डराने की एक बड़ी योजना तैयार है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आपको मैं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का ट्वीट दिखा रही हूं इस ट्वीट में जयराम रमेश ने लिखा कि उपराष्ट्रपति ने हमला बोला कानून मंत्री ने हमला किया यह न्यायपालिका के साथ सुनियोजित टकराव है, ताकि उसे धमकाया जा सके और उसके बाद उस पर पूरी तरह से कब्जा किया जा सके कॉलेजियम में सुधार की बहुत जरूरत है यह हम मानते हैं लेकिन यह सरकार उसे पूरी तरह से अधीन करना चाहती है उपचार न्यायपालिका के लिए विष की गोली है यानी कहीं ना कहीं देखिए न्यायपालिका को कब्जाने का चलन चलाया जा रहा है और इसके जिक्र मैंने किया था दोस्तों अब जैसे जैसे बीजेपी की सत्ताधीन सरकार अपने मकसद को दर्शाती चली जा रही है वैसे वैसे सरकार की मंशा जो है वो जाहिर होती चली जा रही है कि आखिर ये चाहते क्या है किस वजह से टकराव कर रहे हैं दिलचस्प बात यह है दोस्तों की विपक्ष के साथ साथ न्यायपालिका का भी यही मानना है कि सरकार कॉलेजियम में अपना प्रतिनिधि या मंत्री इसलिए चाहती है ताकि उसकी मर्जी से जजों की नियुक्ति हो पाए उसकी मर्जी चले उसकी मर्जी से जजों का चुनाव हो आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सरकार के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ना सिर्फ इससे पहले सीजीआई को चिट्ठी लिखी थी दोस्तों जिसका जिक्र मैंने थोड़े पहले आपसे किया बल्कि इसके अलावा उन्होंने ट्वीट भी किया था और ट्वीट करके उन्होंने अपनी चिट्ठी को सही ठहराया था, था। चिट्ठी में जो लिखा वो आगे बताएंगे लेकिन किरण रिजिजू ने अपने ट्वीट में क्या लिखा ये आपको दिखा देते हैं सीजीआई को लिखे गए पत्र की सामग्री वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ टिप्पणी और निर्देश के अनुरूप है ऐसा इन्होंने ट्वीट में लिखा है ये वो कहते हैं कि सुविधा की राजनीति सही नहीं है खासतौर पर न्यायपालिका के नाम पर भारत का संविधान सर्वोच्च है और उससे ऊपर कोई भी नहीं है तो फिर सवाल यह कि जब उससे ऊपर कोई नहीं है तो आप लोग क्यों दखल दे रहे हैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अलग अलग पार्टियों के जितने भी नेता हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी है और इसको लेकर सरकार की तानाशाही इसको बताया है ज्यादातर नेताओं का कहना है कि बीजेपी कब्जा करना चाह रही है और कब्जा करने के मकसद से न्यायपालिका पर इस तरह का छीटाकशी जो है शुरू हो चुकी है क्योंकि उसने सबको तो कब्जा लिया है बस एक न्यायपालिका ऐसी स्वतंत्र प्रणाली बची है दोस्तों जिसके जरिए भाजपा अपने मनचाहे फैसलों की कतार लगा सकती है मीडिया को खरीद लिया बाकियों को खरीद लिया बस वही बाकी है किस किस पार्टी के नेता ने क्या क्या कहा है आपको वो बता देते हैं करके। देखिए, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की के इच्छा को समायोजित करना चाहेगा अगर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में इस तरह की सुविधा के लिए जगह नहीं है तो वो ऐसा कैसे करेंगे तो सवाल ये है कि सिर्फ सरकार का एक ही प्रतिनिधि क्यों उनका कहना है कि सरकार का कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम में एक प्रतिनिधि सरकार का भी होना चाहिए तो वो क्यों होना चाहिए इनके बाद भाकपा महासचिव डी राजा सिंह ने कहा कि न्यायपालिका को अपने अधीन करने के लिए और इसे निष्पक्ष रहने देने के लिए सरकार इस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है इनके बाद डीएमके के राज्यसभा पी विल्सन ने पी विल्सन ने क्या कहा है दोस्तों वो कहते हैं कि सरकार न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती इनके बाद सिब्बल कपिल सिब्बल जी ने इससे पहले ही कह दिया था उन्होंने पहले ही कहा उनको पता था कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठेंगे उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा करने में सरकार कामयाब होती है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा वैसे भी तमाम संस्थानों पर तो उनका कब्जा हो ही गया है न्यायपालिका स्वतंत्रता का अंतिम गढ़ है अगर उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर अंतिम निर्णय आखिरी फैसला सरकार पर छोड़ दिया जाता है तो वो इन संस्थानों को ऐसे व्यक्तियों से भर देगी जिनकी विचारधारा सत्ताधारी राजनीतिक दल से जुड़ी है तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों विपक्ष के जितने भी नेता हैं, विपक्षी पार्टियां हैं उन सभी ने इस कॉलेजियम सिस्टम के विवाद पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया उन्होंने कहा है कॉलेजियम सिस्टम में कमी है लेकिन सरकार मनमानी करना चाह रही है विपक्ष का कहना है ये न्यायपालिका को लाल आंख दिखा रहे हैं जो बेहद निंद्रिय है अब इस मामले को लेकर सरकार की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं दोस्तों वो भी कर देने वाला है। पहले किरण रिजिजू क्या क्या कह चुके हैं चिट्ठी देने से पहले वो आपको बता देते उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की थी नवंबर 2022 में किरण रिजिजू ने कॉलेज व्यवस्था को अपारदर्शी और, और एलियन बताया था उनके टिप्पणी के वजह से शीर्ष अदालत ने नाराजगी जाहिर की थी दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली इस देश का कानून है और इसके खिलाफ टिप्पणी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि उसके द्वारा घोषित कोई भी कानून सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी है और कॉलेजियम प्रणाली का पालन होना चाहिए उन्होंने कहा था जो

सेटिस्फाइड नहीं है जो कॉलेजियम सिस्टम अभी है उन्होंने दोबारा कॉलेजियम की जगह नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी एनजेएसी की बहाली का पक्ष लिया था जो कि पहले था और उसमें कहीं ना कहीं सरकार दखल देती थी लेकिन अब क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम बन गया है दोबारा तो सरकार दखल नहीं दे पा रही है तर्क यह था रिजिजू साहब का कि जजों की नियुक्ति सरकार की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि जजों के पास तमाम रिपोर्ट्स और जरूरी सूचनाएं नहीं होती है जो सरकार के पास होती है इसलिए हमारी रजामंदी से नियुक्ति होनी चाहिए जबकि सरकार की इस कोशिश पर न्यायपालिका का यह मानना है कि सरकार एक बार फिर से जजों की नियुक्ति में बैकडोर से अपना दखल देना चाहती है जैसा कॉलेजम से पहले नेशनल ज्यूडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी एनजीसी में होता था दोस्तों तो जिस तरह से सरकार

कहीं ना कहीं कही ये बता दिया था उन्होंने उनके उनके साथ ओम बिरला साहब ने तो ये तक कह दिया था कि भाई न्यायपालिका को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन मत कीजिए यही कारण है यही सब वजह है कि विपक्ष ने इस पर बोलना शुरू कर दिया है और कहा है कि न्यायपालिका को डराया धमकाया जा रहा है जान उनको कब्जा करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि दोस्तों आप भी ये बात जानते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऐसे सात और फैसले दो में सुनाने वाला है जिससे दो के तमाम विधानसभा चुनाव पर तो असर पड़ेगा ही साथ ही दो के लोकसभा चुनाव की रणनीति भी तय होगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से फैसले सुनाए और वो भाजपा के पक्ष में नहीं आए तो भाजपा को नुकसान झेलना पड़ सकता है ऐसे में ये जो खींचतान है कहां तक जाएगी ये देखना वाकई बेहद लाजमी होगा क्योंकि सरकार चाहती है कि कॉलेजियम सिस्टम में उसका हस्तक्षेप हो बहरहाल दोस्तों इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार